सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं आपका दोस्त मिर्ज़ा। तो दार्जिलिंग की एक और टूरिस्ट पॉइंट है, ये भी काफ़ी फेमस पॉइंट है, तो इसको बोलते हैं पीस पगोडा। तो यहाँ पे सिर्फ जैपनीज मंदिर है और पीस पगोडा है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो देखते हैं पीस पगोडा में क्या क्या है। यहाँ पे पार्किंग है, उसके बाद ये सीढ़ियों से ऊपर चलेंगे। पीस पगोडा एंड बुद्धा टेम्पल, इसको जैपनीज टेम्पल भी बोलते हैं, बुद्धा टेम्पल है। और ये पीस पगोडा इस साइड है, ये जैपनीज टेम्पल है, ये एंट्री गेट है। काफ़ी अच्छा व्यू है, बहुत ऊंचे पे है। तो ये है पीस पगोडा। तो ऊपर चलेंगे सीढ़ियों से। और काफ़ी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे। थोड़ी बहुत सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी यहाँ पे, मगर मलेशिया से बाटू केव से तो कम ही सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे। बाटू केव में तो बहुत ही ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, यहाँ पे इतनी सीढ़ियाँ नहीं हैं। तो ये है पीस पगोडा। ऊपर जाने के लिए मेरे ख्याल से तो शूज़ वगैरह उतारना पड़ेगा, क्योंकि मैं पोखरा जब गया था तो वहाँ भी सेम ऐसे ही टेम्पल था, वहाँ पे शूज़ उतारना ही पड़ा था। तो देखते हैं क्या करना पड़ेगा यहाँ पे। सेम पोखरा की तरह है, यहाँ पे भी शूज़ उतारना ही पड़ेगा, लिखा हुआ है, शूज़ उतारे भी हैं लोग। तो ये आ गए ऊपर शूज़ उतार के। काफ़ी अच्छा व्यू है, बहुत शांति है यहाँ पे, कोई शोर वो नहीं है, बहुत कम ही टूरिस्ट है यहाँ पे इस टाइम। तो बहुत ही सुकून की जगह है, यहाँ आके एक दो घंटे स्पेंड कर सकते हैं, बहुत सन्नाटा है, दुनिया के शोर शराबों से दूर सुकून में आके थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो ये है लास्ट, ऊपर चलते हैं, देखते हैं ऊपर क्या क्या है। जीने काफ़ी छोटे हैं, एक आदमी एक ही बार में जा सकता है। तो ये है सबसे लास्ट, ये यहाँ का व्यू है। तो ये है पीस पगोडा, यहाँ से तो काफी अच्छा व्यू है। क्लाउड सामने ही दिख रहा है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।